वट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इट रेफर्स टू सच कोर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच कोर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम लोग समझ लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब खाली बिल्डिंग अरे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब खाली बिल्डिंग नहीं होता है ये इकोनॉमिक और सोशल चेंज में चेंज लाने वाला कोर एलिमेंट्स होता है ठीक है सो इट रेफर्स टू सच कोर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज विथ सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकनॉमी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इट रेफर्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज लाइक पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एट्सेट्रा विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस इकोनॉमिक ग्रोथ इट फॉस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ विच रिजल्ट इन इनक्रीज इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे एलिमेंट्स इकनॉमिक uh, सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि इकोनॉमिक चेंज लेके आता है जैसे मान लीजिए आपका पावर हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया कम्युनिकेशन हो गया तो जो कुछ भी एलिमेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उस उस जिससे आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है वो बढ़ता है वैसे सारे एलिमेंट्स को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है देन व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द कोर एलिमेंट्स लाइक सोशल चेंज ज लाइक जिस स्कूल्स है कॉलेजेस तो है हॉस्पिटल्स तो है बैंकिंग तो है विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्पलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल एज वेल एज हेल्दी एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स इट एक्सलेरेट्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर What is the importance of infrastructure? Infrastructure ka kya importance hai? Infrastructure raises on productivity, it raises the size of market, it raises the ability to work, it facilitates uh, outsourcing, it generates linkages in production. Explain the state of infrastructure in India. इंडिया इन्वेस्ट अप्रॉक्सिमेटली फाइव परसेंट ऑफ इट्स जी डी पी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फार बिलो दैन दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया सो जितना चाइना और इंडोनेशिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करता है उससे बहुत कम इंडिया इन्वेस्ट करता है और जीडीपी का फाइव परसेंट इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे विद गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप एंड पब्लिक सेक्टर इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट हो गए प्राइवेट सेक्टर हो गए पब्लिक सेक्टर हो गए ये सारे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इंडिया नीड्स टू डेवलप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द एरिया ऑफ रूरल एनर्जी रिक्वायरमेंट वाटर बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड सैनिटेशन सो जो इंडिया को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी फ़ोकस करना चाहिए स्पेशली कहाँ पे रूरल एनर रूरल एरिया में जहाँ पे रूरल एनर्जी रिक्वायरमेंट हो वाटर हो बेसिक एम्यूनिटीज़ हो सैनिटेशन हो एंड सो ऑन हो तो वहाँ वहाँ पे आपको इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए वॉट इज़ एनर्जी एनर्जी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमिक के टर्म्स में हम क्या बोलता सकते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी का पूरा एक लाइफ है एनर्जी क्या है इट इज़ द लाइफ ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी

India is able to and produce only 20,000 megawatt a year. Even the installed capacity is underutilized. यूटिलाइज so, तो एकदम सही बात है India अभी present में बीस हजार मेगावॉट पूरे साल भर में produce करती है आ, लेकिन फिर भी जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना उसका भी पूरी तरह से अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता वो भी अंडर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एस ई बीज विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इनकर लॉस विच एक्सीड फाइव हंड्रेड बिलियन ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इन तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है ना जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो लॉस में है 500 बिलियन का लॉस में है क्यों ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता है रॉन्ग प्राइसिंग मतलब गलत प्राइसिंग रख लेते हैं अब देखो मतलब गलत प्राइसिंग का ये मतलब नहीं होता कि सस्ता कर देना नहीं रॉन्ग प्राइसिंग का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होता है एंड अदर इनफिशेंसीज तो रॉन्ग प्राइसिंग का ऐसा भी मतलब होता है मैं ओवर चार्ज कर रहे हैं ठीक है फालतू के चीज़ so हम उस पर लगा दे रहे हैं ये चीज़ तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए फिर प्राइवेट सेक्टर जनरेट्स प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले दे रोल इन मेजर वे सेम इज़ द केस विद फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अभी जो प्राइवेट सेक्टर के पावर जनरेटर्स हैं ना वो उनको अपना रोल काफ़ी अच्छे से प्ले करने की ज़रूरत है साथ ही साथ जो फॉरन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपने रोल करने की रोल अच्छे से प्ले करने की ज़रूरत है देर इज़ पब्लिक इंटरेस्ट देर इज़ जनरल पब्लिक अनस्ट ड्यू टू हाई पावर टेरिफ्स एंड प्रोलोंग पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हाँ बिल्कुल सही बात है बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है इस तरह से एंड इस केस में बिजली के लिए आई विल लाइक टू अप्रिशिएट द डेली गवर्नमेंट लीडेड बाई अरविंद केजरीवाल उस सर ने क्या किया है वो पूरे पूरे इकोनॉमिक्स ही चेंज कर दिया उन्होंने मतलब एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम लोग को कि फ्री में बिजली मिल सकती है सस्ते में बिजली मिल सकती है अब केजरीवाल मॉडल पूरे देश भर में लागू होने वाला है थर्मल पावर प्लांट्स विच आर द मेन स्टे ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कोल्ड सप्लाई कई बात सही है हाँ जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना उन वो अपना पावर सेक्टर का जो है वो शॉर्टेज फेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स और कोल सप्लाईज में अब हेल्थ क्या होता है वॉट इज हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो हेल्थ हे, है इट इज़ द स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग फिजिकल वेलबींग होना चाहिए मेंटल वेलबींग well होना चाहिए और सोशल वेलबींग well होना चाहिए अ परसन्स एबिलिटी टू वर्क डिपेंड्स लार्जली ऑन इट्स गुड हेल्थ तो किसी भी इंसान के जो एबिलिटी है काम करने का उसके हेल्थ पर डिपेंड करता है इट इन्हेंसेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके लाइफ के क्वालिटी को एनहैंस करता है देर इज अ वाइड गैप बिटवीन द रूरल अर्बन एरियाज एंड बिटवीन पुअर एंड रिच इन यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज हाँ ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है अंबानी का बेटा को कुछ होगा तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम ही ना अमरीका जाके, स्विट्जरलैंड जाकर के नीदरलैंड जाकर जा कहीं पर जाकर के अपना हेल्थ केयर चेकअप करा लेगा लेकिन एक मान लीजिए कोई एक, को एक डोम फैमिली का है मुसहर फैमिली का है तो वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो इट्स अ ह्यूज गैप वाइड गैप बिट्वीन द रूरल अर्बन एरियाज एंड बिटवीन रिच एंड पुअर वेमेंस हेल्थ अक्रॉस द कंट्री हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट स कंसर्न विथ रिपोर्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग केस ऑफ़ फीमेल फिटिसाइड एंड मोटेलिटी हाँ बिल्कुल सही बात है जो वेमेन का हेल्थ है पूरे देश भर में एक चिंता का विषय है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज केसेस सुनने के लिए मिलता है जो भ्रूण हत्या होती है फीमेल फिटिसाइड का कर दिया जाता है मोटेलिटी ठीक है रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसज कैन इम्प्रूव द सिचुएशन एंड एट द सेम टाइम एन जी ओज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग देल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड रिगार्डिंग हेल्थ अवेयरनेस रीडिंग हेल्थ रिगार्डिंग हेल्थ अवेयरनेस सो प्राइवेट सेक्टर भी हेल्थ सर्विसिस में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एन जी ओज भी कर सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में ठीक है हाउ मेनी टीयर्स आर दे आर इंडियाज़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर है वो थ्री टीयर सिस्टम है प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर टाशरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है वाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर इट इंक्लूड्स मेटरल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग इम्यूनाइजेशन एडुकेटिंग द पीपल अबाउट आइडेंटीफाइंग प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज तो एकदम प्राइमरी लेवल पे मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो होगी वो प्राइमरी हेल्थ केयर रहेगा सेकंडी हेल्थ केयर में क्या आता है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैविंग बेटर फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी एक्सरे ई सी जी आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स तो उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहाँ पर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी एक्सरे कराना होगा ई सी जी कराना होगा ई जी कराना पड़ेगा तो पेशेंट्स आर रिफर्ड हियर व्हेन द कंडीशन इज नॉट मैनेज्ड बाय प्राइमरी हेल्थ केयर फिर टार्शरी हेल्थ केयर जो है वो एकदम बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एक्सट्रीम गंभीर बीमारियों के लिए होता है सो इन दिस सेक्टर देर आर हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस्ड लेवल इक्विपमेंट एंड मेडिसन्स एंड अंडरटेक ऑल द कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कुड नॉट बी मैनेजड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल्स फिर एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिजल्टेड इन एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉस गीनिया वर्म्स एंड नियर इराडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लिप्रेसी करेंट से अगर हम इसको रिलेट करें तो डेली गवर्नमेंट का ये एट अदर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर का एग्जाम्पल मोहल्ला क्लिनिक हो जाएगा सेकेंडरी हेल्थ केयर का एक्जाम्पल पॉलिन पॉली हो जाएगा और आ, हेल्थ केयर का एग्जाम्पल आपका मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाएगा अभी आप डेली में हो तो वहां पर जाकर के घूम करके चले आइए ये सारे चीज और अगर आप डेली में नहीं हो तो जाइए और देख करके आइए शानदार प्राइमरी सेकेंडरी और टार्चरी हेल्थ केयर सिस्टम्स है डेली गवर्नमेंट के द्वारा लीडेड बाय केजरीवाल सर सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड टेक केयर